आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। डकैती की घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल, दो को किया गया गिरफ्तार और दो बदमाश मौके से भागने में हुए कामयाब। पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां लगी जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बच गई। पकड़े गए बदमाश 30 अगस्त को डकैती की एक घटना को भी दे चुके थे अंजाम। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 30 अगस्त को थाना गल शहीद क्षेत्र में सुबह सुबह कुछ बदमाशों ने एक चूड़ी व्यापारी के घर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। डकैती की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की सूचना मिलने पर गल शहीद थाना पुलिस और SHO ने मिलकर थाना क्षेत्र ईदगाह के पास कब्रिस्तान पर बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक गोली गल शहीद पुलिस की गाड़ी पर भी लगी। जब पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की तो एक बदमाश को गोली लगी और दो बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं अन्य दो बदमाश भागने में हुए कामयाब। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि वह मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में डकैती डालने जा रहे थे। SP सिटी अंकित मित्तल ने बताया कि पकड़े गए बदमाश 30 अगस्त की रात डकैती घटना में शामिल थे। इनके पास से 20,000 रुपए, तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। कैसे उन लोगों को घेरने का प्रयास किया, जब खुद को पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखा तो उन लोगों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। उनके द्वारा दो फायर किए गए जिसमें से एक फायर जो है थाना गलचैत पुलिस की जीप पर भी लगा है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जब जवाबी फायरिंग की गई तो उसमें से एक गोली एक अभियुक्त के पैर में लगी है। जब उन्हें दौड़ाकर धमकी देकर और डराकर पकड़ा गया तो उसमें से दो और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 5 लोग थे, बाकी के 2 लोग भागने में कामयाब रहे हैं। अभी तक 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें से एक अभियुक्त घायल है। उनकी जब जामा तलाशी ली गई और दौराने अस्पताल जब उन्हें ले जा रहे थे तब उसकी जामा तलाशी में से उसके पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ है जिससे उस अभियुक्त की 30 अगस्त को जो थाना गलचई क्षेत्र अंतर्गत अनीसुर रहमान के घर जो डकैती हुई पड़ी थी उसमें से जो वादी का आधार कार्ड गया था उसकी बरामदगी हुई है जिससे उसकी इस घटना में संलिप्तता की पुष्टि हुई है। बाकी 2 लोगों से बातचीत की गई है उसमें से एक और अभियुक्त इस घटना में शामिल था। कुछ लोगों के और नाम आए हैं जिनको कि शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से जैसा कि मैंने बताया कि घटना में जो लूटे गए थे 20,000 रुपये, वादी का आधार कार्ड, तमंचा, जिंदा कारतूस, खाली खोके, मोबाइल फ़ोन और 2 चाकू बरामद हुए। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।